फिफ्थ डे गुड़गांव में और हम अभी जाने के लिए तैयार हैं, ऑफिस को निकल रहे हैं। और आज है फ्राइडे, कल है सैटरडे, फाइनली एक दिन की छुट्टी मिलेगी। छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी वो तो आगे आपको पता चलेगा ही नेक्स्ट व्लॉग्स में कि हम कहीं जाएंगे शॉपिंग करने के लिए या रूम पे ही रेस्ट करेंगे, तो वो कल बताऊंगी। बट आज अभी हम ऑफिस जाने के लिए तैयार हैं। ऑफिस में क्या कुछ होगा वो आगे आप वीडियो में देखिएगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। जो भी एक्साइटमेंट वाली चीज़ें होंगी, क्योंकि आज फ्राइडे है तो फंडू फ्राइडे में माइट भी हम कुछ एंजॉय करें ऑफिस के अंदर, तो छोटे मोटे क्लिप्स अगर मैं बना पाई तो डेफिनेटली आपको दिखाऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, पूरी वीडियो देखिए। पार्टी थी ऑफिस में, फ्राइडे है इस वजह से भी, और एक सीनियर हमारे सर थे, उन्होंने आज पिज़्ज़ा पार्टी रखी थी अपने सारे एम्प्लॉयज़ के लिए। तो सभी इस समय पिज़्ज़ा एंजॉय कर रहे हैं, मैंने सोचा अपने व्यूअर्स को भी दिखा दूं। और गाइस, अगर आपका दिल हुआ पिज़्ज़ा खाने का, आप ऑर्डर कीजिए और खाइए, बिकॉज़ आज भी फ्राइडे है तो फ्राइडे को डोमिनोज़ की तरफ से भी कुछ ऑफ़र होता है, तो अगर आप खाना चाहें तो खा सकते हैं। हम सब भी पिज़्ज़ा खा रहे हैं और खूब इंजॉय कर रहे हैं पूरी टीम के साथ। तो हम खाते हैं पिज़्ज़ा, आपको मिलते हैं यहाँ से निकलते हुए शाम को। अब फाइनली अब घर की तरफ हम चल दिए हैं, अब रूम में जाके आपको दिखाते हैं कि आज हमारा क्या प्लान है फ्राइडे का। तो चलिए मेरे साथ। रिमोट है बट रिमोट से ऑपरेटिंग हो रही है। हां मैं रात को किए हुए हूं, ऊपर ठंड लगती होगी ना सुबह। हां मुंह पे बजती है ना। वो ग्लासेस लाएगा फिर इनका पीते हैं। कैसी फील है? गुड। से कौन हम बोलेंगे? अरे आ भैया चल चल के पड़ेंगे तब तक। हम तो ऐसे ही पीते हैं, ऐसे भी लिमका को। गाइस लिमका पी रहे हैं ऑफिस से आने के बाद, और आज नूतन भी हमारे साथ रूम में आई हैं। आपने सुना उन्होंने क्या 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 कुछ कहा आज हमारे रूम के बारे में, तो फाइनली आज उनको भी हमने अपने रूम में एज अ गेस्ट इनवाइट किया था थोड़ी देर के लिए ही सही। तो फ्राइडे इवनिंग थी, अभी हमने थोड़ा टाइम रूम में ही चिल किया, और आखिर बहुत कुछ एक्साइटिंग होगा, तो पूरा व्लॉग देखिए, साथ में बने रहिए। चलो मेरे घर चलो, यहाँ क्या करोगे? कुछ ड्रिल है, आराम करते हैं, आराम करेंगे। तो मैंने तुमसे पोछे लगवा दे, तुम आओ कभी घूम के चलते जाते मारा करो यार, हस्बैंड वाइफ हम ले जाएंगे, हम यहाँ गरीब से बैठे होते हैं। क्या पता अभी शीतला माता चले जाए, आज उठाते भी लेंगे। बता देना पहले, 10 बजे तक खुलता है ना वो तो। फ्राइडे इवनिंग का एक ऑप्शन हमें मिला शीतला माता मंदिर जाने का, तो अब देखिए अब हम कहाँ जाएंगे। नहीं वो तो मैं म्यूट कर दूंगी, वो ये तो अपने आप बोलेगी। अभी मेरे सिस्टर पहुंच गई जो कि कैमरे में नॉन स्टॉप देखी जा रही है। वो उडुपी वाला ब्लॉग भी लाइव हुआ है मेरा, देखा नहीं?
तो अभी चलते हैं हम, और वो अभी हम जा रहे हैं दिल्ली, और दिल्ली जा करके हम कल क्या करेंगे वो पूरा ब्लॉग देखना, इसी ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे और बताएंगे हम आज क्या क्या मस्ती करने वाले हैं दोनों बहनें मिलकर के और मैम मिलके। तो ब्लॉग देखिएगा और इंजॉय कीजिएगा। सो बाय गाइस, मिलते हैं आगे। अब सैटरडे एंड संडे दीदी के साथ मनाते हैं और मंडे को वापस ऑफिस लगाएंगे। तो इस तरीके से फ्राइडे इवनिंग फाइनली हम रूम से निकल गए और चलते हैं अब दो दिन के ट्रैवल पर। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया था कि जो मेरे दीदी हैं ये नई दिल्ली में रहते हैं, नई दिल्ली यानी कि हमारे भारत की राजधानी। तो अभी जाते हुए रास्ते में इंडिया गेट भी रास्ते में आएगा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इंडिया गेट में रुककर उसके बारे में भी पहले थोड़ा सा आपको बता दूं, फिर इंडिया गेट के भी आपको व्यू दिखा दूं। तो इंडिया गेट जो भारत की राजधानी नई दिल्ली में केंद्र में स्थित एक प्रतिष्ठित स्मारक है, यह देश के लिए महान ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है। इंडिया गेट का निर्माण 1921 में शुरू हुआ और 1931 में पूरा हुआ। इसे एक प्रसिद्ध ब्रिटिश वास्तुकार सर एडविन लुटियंस द्वारा डिज़ाइन किया गया था और प्रथम विश्व युद्ध और तीसरे एंग्लो युद्ध के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले भारतीय नाग सैनिकों के सम्मान में एक स्मारक के रूप में कार्य करता है। अफगान युद्ध। इंडिया गेट बलुआ पत्थर से बने 42 मीटर ऊंचे तोरण द्वार के रूप में खड़ा है, जो पेरिस में आर्क डी ट्रायम्फ की याद दिलाता है। स्मारक मुख्य रूप से राजपथ के पूर्वी छोर पर स्थित है, जो एक औपचारिक बुलेवार्ड है जो राष्ट्रपति निवास राष्ट्रपति भवन की ओर जाता है। इंडिया गेट की संरचना जटिल नक्काशियों और शिलालेखों से सुशोभित है, जिसमें 13,000 से अधिक भारतीय और ब्रिटिश सैनिकों के नाम शामिल हैं जिन्होंने युद्ध में अपनी जान गंवाई थी। यह राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है और अपने देश के लिए लड़ने वालों की बहादुरी और बलिदान की ठोस श्रद्धांजलि है। इंडिया गेट लाखों के लिए एक सभा स्थल के रूप में भी कार्य करता है, विशेष रूप से शाम को जो आसपास के बगीचों की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने और सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए लॉन में आते हैं। स्मारक के चारों ओर हरे भरे लॉन और सुव्यवस्थित बगीचे आगंतुकों को आराम करने और प्रतिबिंबित करने के लिए एक शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान करते हैं। वर्षों से इंडिया गेट एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर और एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण बन गया है, जो दुनिया भर के स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों को आकर्षित करता है। यह राष्ट्र की सामूहिक स्मृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और सैनिकों द्वारा किए गए बलिदानों के लिए एकता वीरता और समर्पण के प्रतीक के रूप में खड़ा है। सो गाइस, ये जो आपको मैंने हिस्ट्री की बात बताई, हमारे सोल्जर्स ने कितना हार्डवर्क करके हमारे नेशन को प्रोटेक्ट किया, वो सब के लिए एक श्रद्धांजलि भाव से हम यहाँ पहुँचे। और नाम को कैप्चर करने के लिए इतना नज़दीक तो हम नहीं गए, बट इंडिया गेट का व्यू मैं अपनी वीडियो में आगे आपको दिखा रही हूँ, देखिए आप। इंडिया गेट इज़ एन आइकॉनिक मॉन्यूमेंट लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ न्यू दिल्ली, द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया। इट होल्ड्स ग्रेट हिस्टोरिकल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस फॉर द कंट्री। द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया गेट बिगेन इन 1921 एंड वॉज कम्प्लीटेड इन 1931। It was designed by Sir Edwin Lutyens, a renowned British architect, and serves as a memorial to honor the Indian soldiers who sacrificed their lives during World War I and the Third Anglo-Afghan War. India Gate stands tall as a 42-meter high archway made of sandstone, reminiscent of the Arc de Triomphe in Paris. The monument is prominently situated at the eastern end of the Rajpath, a ceremonial boulevard that leads to the presidential residence, the Rashtrapati Bhavan. The structure of India Gate is adorned and intricate carvings and inscriptions, including the names of the more than 30,000 and
Indians and Britishers soldiers who lost their lives in battle. It is a symbol of national pride and a tribute to the bravery and sacrifice of those who fought for their country. India Gate also serves as a gathering place for people, particularly in the evenings, who come to enjoy the scenic beauty of the surrounding gardens and pay homage to the fallen soldiers. The lush lawns and well-manicured gardens around the monument provide a peaceful environment for visitors to relax and reflect. Over the years, India Gate has become an important landmark and a popular tourist attraction, attracting both locals and tourists from around the world. It holds a significant place in the collective memory of the nation and stands as a symbol of unity, valor, so finally, and remembrance for the sacrifice made by the soldiers. And we are going to relax there. And tomorrow morning, we will meet you with a fresh vlog. We will make a new vlog, we will show you new locations, we will share you in Delhi. So, please watch tomorrow's vlog. काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलेगा. और गाइस, ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. हम पहुंच गए हैं फाइनली रूम में, अब हम सोने जाते हैं. कल आपको मिलते हैं, बाय बाय. तब तक के लिए छोटों से प्यार करें, बड़ों की रिस्पेक्ट करें और ख़ुद का ध्यान रखिए गाइस. टाटा, सी यू, सायोनारा. थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस. स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट व्लॉग.